डी ट्रिपल बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये नई सीरीज शुरू रही है दोस्तों। इसमें आपको जो फॉरेन कंट्रीज़ में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज आती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी, सैलरी और जो क्या क्या ज़रूरी क्वालिफिकेशन और चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको बताई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर और डी ट्रिपल बी की सारी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं कंप्यूटर टीचर इन दुबई, ठीक है। तो ये वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी और जो पर्क्स हैं वो उसकी बात करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि उधर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें देख सकते हैं टैक्स फ्री मंथली सैलरी फ्रॉम अप्रॉक्स AED महादिरम है इनकी करेंसी, तो वो है 10,500 मंथली आपको मिलेगी, 10,500 AED। तो इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये होती है आपकी 211,584, ठीक है। तो ये मंथली सैलरी होगी। तो इसमें फ्री अकोमोडेशन गिवन, A1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यू, ठीक है। तो फ्री वन टाइम फर्नीचर अलाउंस, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, फ्री वीज़ा, फ्री फ्लाइट टिकट्स, ठीक है। तो ये उधर आपको पर्क्स मिलेंगे और सैलरी के बारे में। तो अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, डिग्री क्या क्या चाहिए आपको। तो ये देख सकते हैं टीचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसमें मिनिमम रेगुलर डिग्री, आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। तो इसके साथ क्या है, दूसरा पॉइंट ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स विद 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके साथ है बैचलर्स डिग्री और हायर कंप्लीटेड इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो दूसरा सर्टिफाइड फॉर लाइसेंस टू टीच ICT एट रिलेवेंट ट्रेड लेवल इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपका ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। तो इसमें टीचर्स वो है BA और BSc मस्ट हैव अ टीचिंग डिप्लोमा और अ PGCE। तो इसमें ये भी, इफ दे हैव BEd देन दे डोंट नीड PGCE, ठीक है। जिन्होंने BEd भी की हुई है तो उनको PGCE की ज़रूरत नहीं है। तो डिग्री इन ICT और ICT रिलेटेड फील्ड प्रीफर्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपकी डिग्री वैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग ICT एट रिलेवेंट ग्रेड लेवल। तो दोस्तों आपका जो सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, तो इंडिया में क्या होता है, डिग्री होती है प्लस BEd कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली पॉइंट तो ये कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और दूसरी बात करें तो आपको जैसे BEd है तो आपका चलेगा, बिल्कुल PGCE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके साथ आपको 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको दुबई में जो भी बच्चा ये क्वालिफिकेशन रखता है तो वो कमेंट कर सकता है आपको, इस जो टीचिंग वैकेंसीज़ निकलती हैं तो आपको रेगुलरली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरी कंट्री के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।